हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब गाइस? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, मैं मेरी बाबू रिदा का लंच पहुंचाने के लिए गई थी और मैं लंच पहुंचा के अभी बस निकल रही हूँ यहाँ से, बट सोची कि ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। पता है गाइस, जैसे मैं मास्क हटाई वैसे ही सर नज़र आए, क्योंकि सारे सर पहचानते हैं ना मुझे बचपन से, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ी हूँ ना। वैसे सर नज़र आए, सर कह रहे हैं अरे आप हैं, मैंने पहचाना ही नहीं है आज आप बिना मास्क के। मैंने कहा कि नहीं सर, बस अभी जैसे हटाई थी तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था तो हटाई, वैसे आप दिख गए। सो फनी यार, असल में हजारों हजार स्टूडेंट हैं तो सर कहाँ से किस किस को याद रखेंगे बिना मास्क के या मास्क के साथ में। तो गाइस, मॉर्निंग में जल्दी जल्दी हो जाता है यार, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना। तो बाबू को दी नहीं थी मैं लंच, और मैं बोली थी कि बाबू मैं आपको 9:45 या 9:40 या 9:50 मैं आपका पहुंचा दूंगी इंशाअल्लाह ताला, आप टेंशन मत लेना। तो बस मैं बुआ को देख के, वहाँ पे जो खाला रहती हैं उनको देकर मैं बस अभी निकल ही रही थी। तो मैं सोची कि चलो ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, गाइस को बता देती हूँ, अपडेट कर दे देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अपना ख्याल रखिए गाइस। यहाँ तो पटना में इतनी बारिश हो रही है, ये पूरा रोड इतना गंदा हो रखा है ना, क्या ही बताऊँ। ये देखिए, तो बरसात का मौसम है तो बारिश तो ऑब्वियसली होगी ही, और पूरा कीचड़ है रोड पे, देखिए ज़्यादा बारिश हो रही है। अल्लाह करे कि मेरी बच्ची का सारा एग्ज़ाम अच्छा जाए इंशाअल्लाह ताला, सारे पेपर्स में अच्छे मार्क्स आए इंशाअल्लाह ताला। बाकी मैं मेरे बाबू को बोल दी हूँ कि कोई टेंशन नहीं है, आप रिलैक्स होके आराम से अपना एग्ज़ाम दो, और मार्क्स जितने भी आएंगे वो मुझे से कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी मार्क्स आते हैं आप कोई टेंशन मत लो, आप आराम से फ्री होके अपना एग्ज़ाम दो, जो आता है लिखो, नहीं आता है फिर भी लिखो, बट हाँ टेंशन नहीं लेना है, चिल रहना है इंशाल्लाह ताला। पता है लोग जब व्लॉग बनाती हूँ सारे लोग चारों तरफ से ऐसे देखते हैं ना कि ये क्या कर रही है, कैमरे से क्यों बात कर रही है ये। इधर घूम घूम के मैं व्लॉग शूट करती रहती हूँ इसी गली में, अजीब सा लगता है चारों तरफ से सारे लोग घूर घूर के दिखते रहते कि क्या हो गया इसे, मोबाइल से क्यों बातें कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स गाइस। मेरे पापा मोहम्मद कमरुद्दीन, उनके लिए आप सब दुआएं कीजिएगा प्लीज़, कि मेरे पापा को अल्लाह ताला कैंसर से मुकम्मल शिफा दे दे, उनकी हयात में अल्लाह ताला खैर व बरकत दे दे, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी सब तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब भी अपना ख्याल रखिए। अब पता नहीं मैं ज़ोर से बोलूं कि धीरे बोलूं, फिर ना कहीं से कोई सर आ जाए यार। बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।